जानते ही हैं कि चार बार पंचायत का चुनाव हो गया और अब तो चार बार नगर निकाय का भी चुनाव हुआ। तीन के बाद चौथा के बारे में लोग चर्चा कर रहे थे, वोटिंग हो गया और कुछ लोग चैलेंज कर दिया इधर उधर। हमने कहा ये सब कुछ नहीं होगा, हम लोग कोर्ट में भी गए और हमने कहा कि ठीक है एक बार फिर हम आकलन कर लेते हैं। अब पूरा आकलन करवाया और वही करके और रख दिया कि हाँ यहाँ पर है अति पिछड़ों का और 20% का आरक्षण है और जितने लोगों ने पहले नॉमिनेशन किया था उसी को फिर से उनको चुनाव लड़ने का मौका मिल गया। एक एक तरह का काम तो हम लोग करते रहे हैं। और उसके अलावे क्या हुआ, पढ़ाई लिखाई में कितनी कमी थी, आबादी कितनी बढ़ रही थी, तो हम लोगों ने एक एक काम करना शुरू किया। गरीब तबके के लोगों के बच्चे बच्चियों को पढ़ाना, लड़कियां कम पढ़ती थी लड़कियों को आगे बढ़ाना, पोशाक योजना, साइकिल योजना सब शुरू करा करके कितनी लड़कियां पढ़ने लगी। और जब लड़कियों के लिए हमने 9वें क्लास से साइकिल योजना की शुरुआत की तो ये इस देश में कहीं नहीं था। और आप सब लोगों को मालूम है ना कि विदेश से लोग आकर के देखने आए और कितनी पब्लिसिटी। अरे भाई अब हम लोग जो काम करते थे उसको कभी याद रहने दिया जाएगा, उस सब को तो खत्म कर दिया जाएगा कि कभी ये किया गया था, वो तो एक दूसरी चीज है। लेकिन सोच लीजिए किस तरह से वो अवसर, लड़कों ने भी डिमांड किया तो हमने 11 से उनके लिए भी कर दिया। लेकिन अब इतनी पढ़ाई, अब लड़कियां कितनी हुई। और हम तो सब दिन कहते हैं एक तो ये प्रजनन दर कमना चाहिए। जब हम लोगों ने काम संभाला तो देखा कि भाई आबादी बढ़ रही है, अब प्रजनन दर बिहार में 4.3 है। और उसके बाद एक दुनिया भर का, मैं क्षमा कीजिए, देश भर का यह अध्ययन हुआ कि अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो उन परिवारों का प्रजनन दर 2। और बिहार में भी हम लोगों ने कराया तो बिहार में भी लगा कि पति पत्नी में अगर पत्नी मैट्रिक पास है तो उसका भी प्रजनन दर 2 के करीब। और उसके अलावे अगर पति पत्नी में पत्नी इंटर पास है या आगे पास है तो उसका प्रजनन दर देश के विभिन्न हिस्सों में था 1.7। और बिहार का अध्ययन कराया तो पति पत्नी में अगर पत्नी इंटर पास थी तो प्रजनन दर 1.6। कितनी खुशी हुई हमको और लगा कि अगर यही करेंगे, लड़कियां अगर पढ़ेगी तभी जाकर के होगा। और आप जानते हैं हम लोग जो काम कर रहे हैं, अब आप अच्छी तरह जान लीजिए हम लोग तो हर चीज जो करना चाह रहे थे जन नायक कर्पूरी ठाकुर अपने समय में, और उसी तरह से हम लोगों ने यहां अपना काम करना शुरू किया। अब आज उसका परिणाम क्या हो रहा इसी चीज को आप लोगों को बता रहे हैं। अब जरा जान लीजिए अब प्रजनन दर घट करके अब बिहार में पहुंच गया है 2.9 पर। और अगर इसी तरह से पढ़ाई और बढ़ती चली जाएगी तो एक समय आ जाएगा 2 पर आएगा। और आप समझ लीजिए 2040 के बाद आबादी जो इतनी बढ़ रही है उसी समय से स्थिर होना शुरू होगा और कोई चिंता की बात नहीं होगी। तो बिहार की तो चिंता है, बिहार तो एकदम एक पिछड़ा राज्य है। और हम लोग क्या मांग कर रहे थे, विशेष राज्य का दर्जा मिले, कोई नहीं मानते हैं। अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलता तो बिहार कितना आगे बढ़ता। लेकिन आप जान रहे हैं हम लोगों का जो इलाका है, क्षेत्र है बिहार का, वो देश में 12वें नंबर पर है लेकिन आबादी को देखिएगा तो देश में 3रे नंबर पर है। तो ऐसी स्थिति में विकास के लिए और आबादी को भी ठीक करने के लिए तो इसलिए ये से एक एक काम हम लोग कर रहे हैं। और कितना ज्यादा प्रोत्साहित कर रहे हैं सबको सरकारी सेवाओं में, और महिलाओं का जो उत्थान हो रहा है आप जरा सोच लीजिए
एक बात जान लीजिए कि पुलिस में भी हमने 13 में महिलाओं के लिए 35% कर दिया और आज महिलाओं का हो गया बढ़ते बढ़ते अब करीब करीब 28-29% पर आ गई और जितनी संख्या पुलिस में महिलाओं की है उतनी संख्या देश के बड़े बड़े राज्यों में भी और बहुत ज्यादा पुलिस है, हमसे दुगना भी पुलिस है, वहां भी इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं कहीं नहीं। और सरकारी सेवाओं में भी हम लोगों ने कर दिया है हर तरह से महिलाओं का उत्थान, और जो स्वयं सहायता समूह की कमी थी उसको जो बढ़ाया, नामकरण किया जीविका, और आज आप देख रहे हैं कितना कम था स्वयं सहायता समूह, हमने कहा आप कम से कम 10 लाख करेंगे, अब 10 लाख से भी ज्यादा बढ़ गया, अब बहुत नाम मात्र की थी, अब 1,30,00,000 से ज्यादा जीविका की दीदियां हो गई। अब आप समझ लीजिए गरीब गुरबा तबके की महिलाएं इतना आगे बढ़ रही हैं, बाल बच्चों को पढ़ा रही है, अच्छा अच्छा काम कर रही है। तो ये सब जो काम हो रहा, एक एक तरह का जो काम किया जा रहा है राज्य में, सबके उत्थान के लिए काम किया जा रहा, तो इसलिए हम सब लोगों को एक एक चीज को ध्यान में रखना है। और जो सबसे बड़ी बात है, समाज में प्रेम और भाईचारे का भाव रहना चाहिए। कुछ लोग आपस में झगड़ा कराना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम के बीच में झगड़ा कराना चाहते हैं, और हम लोगों ने जब काम करने का मौका मिला तो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कितना घट गया है। और कुछ लोग चक्कर में रहते हैं, लेकिन हम लोग तो चाहते हैं कि इस तरह का वातावरण हो। तब आप सब लोगों से कहेंगे, और अति पिछड़ा में तो सब न है जी, हिंदू भी है और मुस्लिम भी है। इसीलिए आप समझ लीजिए कभी भी विवाद नहीं होना चाहिए आपस में, और समाज के किसी भी तबके से हम लोगों को झगड़ा नहीं करना। हम लोगों को तो सबका काम करना, सबके लिए काम करते हैं। अनुसूचित जाति में भी जो हम लोग काम करते हैं और उनके उत्थान के लिए जितना काम किया, तो सारे अनुसूचित जनजाति के लिए भी सबके लिए काम किया है। और अब कौन कौन काम बोलिए, आप सोच लीजिए, एक एक तरह का काम कर रहे हैं। पहले हमने किया था कि भाई लोगों को हम प्रोत्साहित करेंगे, 18 में हमने तय किया अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए, हमने कहा कि इनको हम बढ़ावा देंगे, और उनके लिए हम लोगों ने कर दिया कि उनको वो काम करेंगे, 5,00,000 रुपए का अनुदान देंगे, 5,00,000 रुपए का ऋण लेंगे, उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा, और ये काम शुरू किया। और याद करिए 2020 में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जन्म दिवस के अवसर पर ही हमने ऐलान किया कि अब अति पिछड़े वर्गों के लिए भी वो होगा। तो कितनी बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के लोगों को ये उत्थान हुआ। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने ये तय कर दिया, और अब जो काम कर रहे हैं तो हमने तय कर दिया कि सारे महिलाओं को हम लोगों ने तो तय किया, सबसे पहले अनुसूचित जाति जनजाति का, उसके बाद किया अति पिछड़े वर्ग का, और उसके बाद कह दिया कि कोई भी महिला, सभी महिला किसी भी जात की हो, किसी भी धर्म की हो, और अति पिछड़े में भी तो दोनों विभिन्न धर्मों के हैं, लेकिन एससी एसटी में तो यहां नहीं है, दूसरे जगह है, लेकिन एससी में तो मान्यता नहीं है मुसलमानों का, लेकिन महिलाओं का सबके लिए 50%। और उसके बाद हम लोगों ने तय किया कि बाकी लोग बचे हैं, चाहे अपर कास्ट के लोग हों या बैकवर्ड क्लास के लोग हों, उनके लिए भी हम लोगों ने कहा कि 5,00,000 रुपए का अनुदान देंगे, अब 5,00,000 रुपए का ऋण देंगे, उसमें नाम मात्र का 1% का उनको टैक्स लगेगा। अब ये शुरू हुआ, मालूम है अब कितनी बड़ी संख्या में लोग शुरू कर दिए। हम तो एक एक जगह घूम घूम करके देख रहे हैं कि हर चीज का कितना लाभ हो रहा है।
तो हम लोग तो काम कर रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं आजकल जो लोग हैं हम लोगों को छोड़ना पड़ा वो तो कोई काम नहीं करते हैं। हम लोग जो काम कुछ करते हैं वो लोग तो बिना काम के खाली अपना प्रचार करते रहते हैं, तो वो सब तो हमको था नहीं। और भाई बिहार को और उत्थान कर देना चाहिए था, कुछ नहीं, तो हम लोग को जो करना पड़ रहा था अपना करना पड़ रहा था। फिर हम अब सब लोग मिल करके और ज्यादा काम कर रहे हैं, और आप समझ लीजिए लोगों की बहाली के लिए भी, सरकारी नौकरियों के लिए भी। और आप समझ रहे हैं पिछले ही कुछ महीनों में 28,000 से ज्यादा नौकरी हम लोगों ने दे दी, और हम लोगों का लक्ष्य है कि 10 लाख हम लोग नौकरी देंगे और 10 लाख रोजगार पैदा करेंगे। इसके लिए सारा काम कर रहे हैं सबको आगे बढ़ाने के लिए। तो हम लोग तो अपना काम करते रहेंगे, लेकिन अपना बाकी लोगों को हम लोग का मत हो। तो हम सब लोगों को एक ही बात को, हर बात को याद रखना है, और जो कुछ भी हम लोग काम करते चले जा रहे हैं इस काम को जारी रखेंगे और आगे बढ़ाएंगे। अब सोचिए हर घर नल का जल, हर घर तक पक्की गली नाली का निर्माण, कौन कौन काम हम लोग कर रहे हैं। अब जो बचा उचा हुआ वो भी पूरा होगा, और एक एक तरह का काम, हर गांव के लिए सड़क का निर्माण, पुल पुलिया के लिए काम, और हमने तय कर दिया सबका मेंटेनेंस होगा। ऐसा नहीं है कि बिना मेंटेनेंस के कोई काम हो, और लोगों के इलाज के लिए भी तरह तरह की व्यवस्था हम लोगों ने कराया। पढ़ाई के लिए भी हम लोग और आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हर क्षेत्र के विकास के लिए जितना काम संभव है उतना काम हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सबको बिजली की क्या स्थिति थी पहले, अब आप सोच लीजिए बिजली सबको मिल गया, हम लोगों ने कर दिया था 18 में ही, और उसके बाद और जितना बढ़ रहा उतना ज्यादा हम लोग कर रहे हैं। और सौर ऊर्जा के लिए भी कितना काम हम लोग कर रहे हैं, गांव गांव में पहुंचा दे रहे हैं। तो एक एक तरह से काम हम लोग इतना ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सब लोगों से यही निवेदन करेंगे कि जो भी काम हो रहा है उस पर ध्यान करिए और एक एक जगह पर देखिए, और समाज में किसी तरह का झंझट नहीं हो, काम किया जा रहा है सारे काम को देखिए। अगर कहीं और जरूरत है काम का तो उसका सलाह दीजिएगा, और सब मिलकर के काम करेंगे बिहार और आगे बढ़ेगा। और आपस में झगड़ा नहीं करना है, आपस में एक अच्छा माहौल बनाना है, और यही करिएगा तो यही जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी के प्रति सही मायने में श्रद्धा। हमने शुरू में ही आपको कहा है वो किसी से झंझट नहीं करते, खिलाफ नहीं बोलते हैं, सबके हित में काम करते हैं। और हम लोगों के पार्टी को देख लीजिए, गौर से देख लीजिए, सबके उत्थान के लिए काम किया है हम लोगों ने। और हम लोगों के पार्टी को देखिएगा तो चाहे किसी भी धर्म को मानने वाले हों, कोई भी जाति के हों, स्त्री हो पुरुष हो, उनकी संख्या कितनी ज्यादा है। और इस बार सदस्यता अभियान चला तो बिहार में 75 लाख लोगों ने सदस्यता ग्रहण कर लिया, अब आप सोच सकते हैं। लेकिन कुछ लोग हम लोगों के खिलाफ बोलता है, कोई आ भी जाता है चला भी जाता है, किसी को आगे बढ़ा देते हैं भाग जाता है, कोई भागने की कोशिश करता है, तो जिसको जो मन में आवे करे। पार्टी में थोड़ी कुछ होना, पार्टी का तो सब लोग मिल करके काम करता है, बाएं दाएं नहीं करता है। मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं है, मेरी एक ही इच्छा है कि हमारा बिहार आगे बढ़े और जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी के सपनों को हम साकार करें, सब आगे बढ़े। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के एक एक चीज को याद रखें, कभी भूलना नहीं है। जो भी बापू ने कहा हमने सब जगह एक एक चीज को कहना शुरू किया है, और इन्हीं लोगों के हिसाब से हम लोग सब काम कर रहे हैं। और मिलजुल करके पूरे तौर पर काम कीजिए, यही हम सब लोगों को उम्मीद है। तो आप सब लोग संकल्प लीजिए कि हम इन सपनों को, जन नायक कर्पूरी ठाकुर के सपनों को साकार करने में सब एकजुट होकर के काम करेंगे। तो
तो आप हाथ उठा के बता दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई, और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का मैं नमन करता हूँ और वचन देता हूँ कि जब तक जीवित है, जब तक काम कर रहे हैं, तब तक उनके हित में काम करेंगे, समाज को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ज्ञापन के लिए माननीय मंत्री श्रीमती शीला मंडल जी से आगे ज्ञापन के साथ इस सभा की समाप्ति की घोषणा करेंगे। माननीय मंत्री शीला मंडल जी, अगर आपको सच्ची खबर हो सुनना तो पक्की खबर को जरूर चुनना। तो अब देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल पक्की खबर को। पक्की खबर, सच है तो खबर है।